नमो अरंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोये शविशावे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रदानं सर्वजन्मानां जयनं जयतु शासनम् नमयोनिजिनं वीरं मणन्तवर्णान् दंशन सावम् मोक्षामि नियं सारं केवली श्रुतकेवली वणिदम् नमाशमै शाराय श्वानभूत्या चकाष्टे चेष्वावाय वावाय शर्वावान्तरिच्छति सर्वाग्निशासन जयवंतिवरिते निर्ग्रंथ शासन जयवाविन रताय मनु में सर्वाग्निशासन जयवंत मकंड साठ नंबर का कलश नियम सर अनवरत मकंड ज्ञान सदवावनात्मा व्रजति न च विकल्पम संस्रते गोरे रूपं अतुलिमनगिमात्मा निर्विकल्पं समाधि परिपरिणति दूरं याति चिन्मात्रम् भगवान आत्मा समाधि स्वरूप है और भगवान आत्मा को पाने वाले को सहज समाधि होती है। बड़े पंडित साहब ने पाठ में लिखा है समाधि की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कहां से उन्होंने पाठ शुरू किया, सहज समाधि स्वरूप सुध्याम ध्रुव ज्ञायक प्रभु अपना। आत्मा समाधि स्वरूप है, आत्मा को भाने वाले को समाधि होती है। जीवन में आत्मा वाने वाले के समाधि में जीवन होता है और जिसने जीवन में जीवंत अपने आत्म तत्व को वाया है उसी का समाधि में मरण होता है। समाधि में जीवन होगा तो समाधि में मरण होगा, उपाधि में जीवन होगा तो उपाधि में मरण होगा, आदि में जीवन होगा तो आदि में मरण होगा, व्याधि में जीवन होगा तो व्याधि में मरण होगा, उपाधि में जीवन होगा तो उपाधि में मरण होगा। और इनसे रहित चैतन्य भगवान आत्मा है, वो समाधि स्वरूप है, उसमें जीवन होगा तो समाधि में मरण होगा। आदि में जीवन होगा अर्थात क्या, समाधि की परिभाषा आज भैया ने भी हमसे कहा था और हमारे कलश में भी है, वो आएगा बता देते। आप कह रहे हो सब कलश में समाधि कहां से आ गया, साठ नंबर कलश है ना जो हम हमेशा चला रहे थे उसमें है। आदि व्याधि उपाधि इनसे रहित समाधि है, भगवान आत्मा समाधि स्वरूप है,
समाधि स्वरूप है अर्थात क्या, उसमें आदि व्याधि उपाधियों ने प्रवेश किया ही नहीं। कौन सी उपाधि? अरे जिसे उदय की उपाधि तो है ही नहीं, उदय के अभाव की भी उपाधि नहीं है, वो तो परम पारनामिक भाव रूप है। उदय के अभाव की उपाधि क्यों नहीं है? ये उदय का जिसमें अभाव हुआ हो उसकी बात करो विराग भाई साहब। परम पारनामिक भाव तो ऐसा है जिसमें कभी उदय आया ही नहीं। कर्म के छह की उपाधि भी आत्मा को नहीं दी जाती है, वो उपाधि छायक भाव की क्यों नहीं दी जाती? बोलो भाई, मैंने पहले ही पूछ लिया तो स्वाध्याय है कहने में, कथा वाले हैं तो कथा भी निकली है, चिंता नहीं कर। आत्मा को कर्म के छह की उपाधि क्यों नहीं दी जाती? ये आत्मा तो कर्म के छह स्वरूप ही है। क्यों भैया? जेल से कब आए? अब बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, आपने उनसे ही पूछ ले कब आए हैं? गए ही नहीं है। अभिनंदन, ये आज जेल से छूट गए, आज ये जेल से छूट गए, गए ही नहीं है। जैन के बालक से पूछा जा रहा है, कहा बेटा हैं रात्रि भोजन कब छोड़ दिया? कि कभी किया ही नहीं है। जमीकंद कब छोड़ दे? कहा हमारे घर में कभी आया ही नहीं है। ऐसी मेरे घर में कभी कर्म आया ही नहीं, मेरे घर में कभी उदय आया ही नहीं है, मेरे घर में कभी आदि आया ही नहीं है, व्याधि आई नहीं है, उपाधि आई नहीं है, इसलिए मेरा घर तो समाधि रूप है। और जो अपने घर में रहते हैं उनकी समाधि होती है। ये भगवान क्या बोल रहे हैं? आधा ग्रहण करके मैं चला जा रहा नहीं, वाक्य लिख लो। ये भैया लिख बोल रहे थे, अपने घर में रहते हैं उनकी समाधि होती है, दूसरे को द्वार क्या कि घर को छोड़ो तो समाधि होती। तो विरोधाभास में समझना क्या कह रहे हम, अपने घर में रहते हैं। अपना घर कौन सा है? शुद्धि जीवास्ति का ही मेरा घर है, तो मेरे घर में आदि है ही नहीं है, मेरे घर में व्याधियां है ही नहीं है, मेरे घर में उपाधि है ही नहीं है, इसलिए मेरा घर तो समाधि रूप है। जैसे जिसके घर में वे मोबाइल नहीं है, वे टीवी नहीं है, वे बाहर के प्रसाधन नहीं है, तो वहां चक वो भी तो नहीं है, झगड़ा चंटा जो दिखाई देता है। ऐसी आत्मा में जब कर्म नहीं है, नौ कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, तो उस जन्य दुख भी नहीं है। भगवान आत्मा सहज समाधि स्वरूप है। सहज समाधि स्वरूप मतलब क्या? जिसमें उपाधियों ने प्रवेश, आदि ने व्याधि ने उपाधि ने प्रवेश किया नहीं है। आदि किसे कहते हैं? बोलो सिद्धांत, ये तो तुमने भी पढ़ा हुआ। आदि किसे कहते हैं? हैं? बोलो भगवान, शास्त्री कर ली तुमने। मानसिक, मानसिक रोगों का नाम क्या? आदि। और शारीरिक रोगों का नाम व्याधि। और बाहर जो ओढ़ा जाता है उसका नाम, अब स्थूल रूप में कर रहा हूँ, उपाधि। और भगवान आत्मा में है ही नहीं है। चाहे के बावे भी विन दिखे, तेरे अन्य बाव की कौन कथा है? अचुन वे आनंद निज में बिल से अब दूर, आगे बोलना याद है किसी को? दूर हुई है सर्व विथा। अरे भाई, बार की उपाधियां दी जा रही हैं। उपाधि का तो अर्थ ही यही है, उप आदि, बार की उपाधि। आदि मतलब मानसिक रोग, उप मतलब समीप, जो तुम्हें मानसिक रोगों के समीप कर दे, अर्थात जो तुम्हें मानसिक रोगी बना दे, उसका नाम उपाधि है।
उप आदि करो अर्थ, उप मतलब समीप और आदि मतलब मानसिक रोग, जो तुम्हें मानसिक रोगी बना दे। मतलब क्या, आज से तुम्हें अगड़ी अच्छे श्रोता बने बैठे थे और उन्होंने कहा आज तुम्हें संचालन करना है, बस समझ लो स्वाध्याय मुश्किल से कर पाओ, सुन पाओ, 5 मिनट में तुम्हें पूरा संचालन करना है। अब वही सोचते रहो, मानसिक रोगी हो गए। मानसिक मतलब मोह राग देश आदि भाव। तो जिन्हें मानसिक रोगी ना बनना हो वे उपाधियों को ओढ़े ना, और जिन्हें समाधि करना है वे उपाधियों को छोड़ दें। जहां हमें लगने लगा कि अभी जाने वाला है, कम से कम उस समय तो अपनी उपाधियों को बस उस समय ही रह जाए, हम भी ज्ञाता हैं और आप भी ज्ञाता हो। अब हमें ये नहीं, जो बन सके तो बार भवन को डारे, क्योंकि तो उसमें कहें तो वो व्यापार धंधा आधे को लड़के को सौंप दे, सब कार्य वो कर दे, सबसे निराला हो जाए। निराला हो जाओगे तो निराले हो जाओगे, निराला देख लोगे तो निराले हो जाओगे। भगवान आत्मा समाधि स्वरूप है, तो समाधि किसकी है, कि जिसमें आदि नहीं है, व्याधि नहीं है, उपाधि नहीं है। तो आदि का चिंतन नहीं है, व्याधि का चिंतन नहीं है, उपाधि कोई नहीं है, बस एक आत्मा एक आत्मा एक आत्मा। भैया ने बहुत अच्छा लिखा है, अभी बचवांगे हमें बस लौकिक संबंध याद न दिलाएं। क्या गजब पुरुषार्थ है कि इस काल में वे ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी समाधि कैसे करूं। हैं, पंडित साहब की कराई, वो तो ताजी की कराई, वो तो ठीक, अब मैं अपनी समाधि कैसे करूं। क्या हम तो पढ़ते ही ऐसा प्रसन्नता हुई, मैं समझ रहा था अभी तो थोड़ा विकल्प होगा, इस समय इनने क्यों लिखा, लेकिन ऐसे उसमें इतना अच्छा लगा, सही बोलता, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, ऐसा लगा उसी पर प्रवचन कर दूं। पढ़ते ऐसा लगा, सही बोल रहा हूँ, कि वो ही रख के उसी पर प्रवचन कर दूं पूरा। एक एक वाक का मतलब, इस समय ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये सब, और उस समय है वो लिख रहे हैं हम, हमारी, मुझे मेरी समाधि कैसे करनी, मुझे अपनी समाधि कैसे करनी। जब 37 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र में अपनी समाधि की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे प्रसंग में समाधि की तैयारी कर रहे हैं, तो हे भाइयों, जो हमारी 60 साल की और उम्र बढ़ती जा रही है और हम सोच नहीं रहे कि आखिर कैसे इसको इसका छोड़ना है, और वैसे तो हमारा तुम्हारा किसी का कोई पता नहीं है, इसलिए सदा अपने समाधि स्वरूप को देखते रहे। उन्हीं के बाकी लिखा, मुझे शारीरिक संबंध याद न दिलाए उस समय। अंडी जी भैया हमें पहचान ले, हम तुम्हें वहां में लेते, याद आ रही है तुम्हें, हमारी वार्ता हुई थी, हमें कुछ याद न दिला, बस हमें आत्मा की याद दिला। इतना अच्छा लगा, नहीं वो होता ही है, इकट्ठे हो जाते हैं, तुमने हमें पहचाने, हम कौन है, अरे तुम अपना परिचय देने मत जाओ, ये बताओ कि हम भी, हम तो गे हैं और तुम तो ज्ञाता हो। अगर उनको मोह उपज भी जाए, अरे भैया तुम कैसे, हम भैया नहीं है, हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है, दादाजी की समाधि हुई तो गांव के थे, बड़े अच्छे से आने जल खुद त्याग कर दिया, बड़े अच्छे से भावना वाते वाते 2-4 साल पंडित जी के समागम में रहे। अब इनसे आकर लोग कहे नाना जी, बोले हमें नाना जी मत का, हम तो ज्ञाता जी है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 80-85 साल की उम्र, और पंडित साहब आके पूछने लगे उनसे क्यों प्यास तो नहीं सता रही, और वे बोलते हैं उन्हें दो लेने याद है, मेरे आत्म में आनंद बरस रहो, और वंडी साहब उन्हीं की धुन लगवाने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये पूर्ण तत्व जब दिखेगा, परिपूर्ण परमात्मा दिखेगा, हमें काय की चिंता, मेरे आत्मा में यही नहीं, जो मेरा भगवान आत्मा समाधि स्वरूप है, अर्थात उसमें मोह राग देश आदि भाव नहीं है, अर्थात आदि के अभाव रूप है,
और उसमें कोई शारीरिक रोग नहीं है, इसलिए बोलो व्याधि के अभाव रूप है और उसमें कोई उपाधि पड़ी नहीं है। उदय की उपसम की चोपसम की, अरे भगवान नियमसार तो कह रहे हैं छायक भाव की उपाधि नहीं है, अब तुम कहां की उपाधि डाल। इसलिए वह आत्मा समाधि स्वरूप है, ऐसा द्रव्य को देखने वाले की समाधि होती है। ऐसे श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, ऐसी भावना निरंतर, अरे जो छूटेगा वो छूटेगा, जो जाएगा वो जाएगा, मेरा भगवान आत्मा तो सदा मेरे साथ में। तो कैसे बात है, वो निर्विकल्प समाधि कौन प्राप्त करता है? थोड़ा सो कलत बाजती है। अनवरत मखंड ज्ञान सद्भावनात्मा व्रजति न च विकल्पम संस्रते गौरे रूप। और फिर लिखा अतुल मन के महात्मा निर्विकल्प समाधि पर परिणति दूरम याति चिन्ह मात्र में। आ का कल समाधि का थोड़ा सा लेने, हमने समाधि विषय में भी आ गए। क्या है? निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होता है और निर्विकल्प समाधि ही आनंदमयी है, इसी की तो चाह है। न जाने समाधि के नाम पर अकेला अंत समय क्यों याद आ। अरे समाधि अर्थात समा जाना, किसमें समा जाना? अपने आनंद स्वभाव में समा जाना, अपने भगवान आत्मा में समाते हुए रमते हुए परमानंद की प्राप्ति होती है, उसका नाम समाधि है। तो कौन प्राप्त करता है कि देखें तो क्या लिखते, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि को कौन प्राप्त करेगा कि संसरते गौर रूपम विकल्प, कौन से विकल्प? जो सांसारिक विकल्प गौर संसार के मूल ऐसे विकल्पों से दूर रहता है। कौन रहता है? मूल से बांचो, देखो हिंदी से बांचो, सतत रूप से, क्या लिखा? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये दिखता है? कहाँ लिखा है? नीचे। जब मैं बांचू तब तो इधर उपयोग लगाना पड़ेगा। सतत रूप से क्या? अरे आगे नहीं बोलना। कितना? मैं सोच रहा चलो मुझे विकल्प आया कलश कैसे लूं, फिर मुझे गुरुदेव याद आ गए कि अगर गुरुदेव यही सोचने लगते तो ग्रंथ कैसे हुआ। हम कुछ नए लोग होंगे, कलश कैसे लूं, कथा ले लूं, फिर मुझे गुरुदेव याद आए कि 40,000 की सभा लगभग भोपाल, याद है भोपाल में गुरुदेव को सुनाते, और वहां भी विषय चल रहा है और शब्द टू शब्द सबके हाथ में पाना है कि नहीं? रो पाना वो जनवाणी का वो बड़ी विनय से, हाँ नीचे रख दे यार, ऐसे कर सेठ मर जाएगा, नरक की हवा खाएगा। हाँ वो गर्मी हाथों प्रसादम तो कुछ है नहीं, आज तो कहा कहने लगे भाई, कितनी करना कितनी दया है, ऐसा है मर जाएगा, ये जनवाणी है विनय रखना है। तो क्या लिखते हैं देखो, अनवरत 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 मतलब सतत रूप से, किस रूप में? सांधारक टूटे ना, किसकी ना टूटे, सतत रूप से अखंड, क्या लिखा? अखंड का अर्थ कल के किया था, भूल गए भैया, बोलोगे तो मैं बोलूंगा, अखंड का अर्थ क्या किया था? न द्रव्येन खंड्यामी, न चेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, शुभ शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो। अखंड रूप से मतलब
संयो कैसे ही बनियो अखंड धारा है, क्षेत्र कैसा यो अखंड धारा, काल को यो अखंड धारा, और कैसी बार के संयोग भाव बनियो अखंड धारा। वो धारा अखंड वहती है, उस अखंड धारा पे कोई खंडित करने वाला नहीं है। विधानाचार्य लोग बोलते हैं आपने इधर होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं है, वो धारा ये टूटना नहीं चाहिए। विराग भाई साहब आप लोग बोलते हो ए क्या कर रहे हो, वो पानी डालो वो धारा चलना चाहिए शांत। जब तक हम मंत्र पढ़े तब तक ये धारा अखंड चलना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए ऐसे ही, क्योंकि खंडित भाई तो अशांति आ जाएगी। मुझे पता नहीं भाई साहब पूछना जान, खंडित नहीं होना चाहिए ऐसे ही, ये खंडित नहीं होना चाहिए। कौन सी धारा, मैं तो ज्ञाता त्रिव्यू अखंड धारा, अखंड का ये टूटना नहीं चाहिए। ए शांति धारा ओ अखंडित चिरकाल तक बहती रहे। तुम तो लुटिया से दो मिनट भाग बंद कर दो और उन्होंने तो क्या कहा है, चिरकाल तक। कौन सी धारा, कौन सी शांति धारा, अरे कौन सी शांति धारा, रोज आ रहा बांटते हो बोलो। शांति में ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति जब जगे, अनुभूतियों आनंदों में सारी विकलता तब हो गया शांति विदा। शांति में हूँ, शांति में ऐसे शांत स्वरूप भगवान आत्मा का श्रद्धान, ऐसे शांत स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान, ऐसे शांत स्वरूप भगवान आत्मा में लीनता, इसी का नाम शांति विधान है। परमात्मा विधान किसका नाम है, चारित्रकार कृति के ना विधान प्रवचन सार जी में। तो ये जो ज्ञाता की धारा है ये अखंड रूप से वहती रहे, टूटे ना भाई है। तो क्या लिख रहे हैं, सतत रूप से अखंड ज्ञान की सद्भावना वाला आत्मा, क्या लिखा, सद्भावना वाला आत्मा। कैसा आत्मा, जो अखंड ये वाता है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ये विकल्प की बात कर रहा हूँ अभी। तो अपने देखो एकदम निर्विकल्प पहुंचोगे कैसे, ज्ञान में हूँ, ज्ञान में हूँ हर समय, जाना नारा जाना नारा जाना नारे की जो धारा वाता है, सतत रूप से अखंड ज्ञान की सद्भावना वाना, सद्भावना वाला आत्मा। कौन सा आत्मा है, कौन सा आत्मा, पर्याय की बात कर रहे हैं। सद्भावना वाला आत्मा, कौन सी सद्भावना, मैं अखंड ज्ञान रूप हूँ सिद्धांत, मैं अखंड रूप ज्ञान रूप हूँ, मतलब संयोग कैसे भी हो है। वो भजन सुना भाई साहब सुनाते, नरकादिक में भी ज्ञाता रहे थे, अविशिला पे भी ज्ञाता रहेंगे, रहे थे और रहेंगे, लेकिन वर्तमान तो आया ही नहीं, अभी भी तो ज्ञाता ही है, ज्ञाता लखे चौर चलो रे भाई अपने वतन में। भगवान चेतन नाथ सतत रूप से ये धारा ज्ञान की तो अनादि से बह रही है, पर तेरी जो धारा उपयोग की वर्तमान पर्याय की थी वो उसके साथ नहीं भाई, वो उदय के साथ बहती रही, इसलिए अशांति बनी रही। और अब तो क्या करना, सतत रूप से ज्ञान की बोलो हैं, सतत रूप से अखंड ज्ञान की, कौन से ज्ञान की, योदे आदिक के द्वारा खंडित हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे, अखंड ज्ञान की सद्भावना वाला आत्मा, सम्यक भावना वाला आत्मा, ऊपर ऊपर की बातों वाला आत्मा नहीं का, सद्भावना वाला आत्मा
महाराज क्या मिलेगा उसको? हम निरंतर ज्ञानमय 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 देखते रहेंगे, रोग आएगा रोग में नहीं, बोलो ज्ञान में। कोई ने अपमान कर दिया अपमान में, सम्मान कर दिया तो सम्मान में, बोलो तो क्या ज्ञान में। अरे जो आचार्य महाराज कहते हैं आवाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, ज्ञानमय 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 परमात्मा ही वेदन में आता है। तो क्या लिख रहा है, जो हर क्षण अपने ज्ञाता दृष्टा को देखता है, जो हर क्षण ज्ञाता द्रव्य की धुन लगाता है। मुंडा चंद्र स्वामी ने क्या लिखा है, महाराज क्या त्याग करें कि है भगवान ज्ञाता द्रव्य है, है भगवान, क्या गजब लिखा है। अब देखो भाई घबराना नहीं, मैं कभी 15 मिनट कहानी सुनाऊंगा, जिनको ऊपर से जा रहा होगा ना उनके लिए कहानी सुना। है भगवान अखंड धारा है, है भगवान, कौन सा भगवान, अरे है वह भगवान नहीं लिखा है, टीका में देखा है ना 34 गाथा की टीका, तो है भगवान ये तो भगवान वह नहीं लिखा, है लिखा तो यह तो किसी की निकट के वाले के लिए लिखा होगा ना, दे नहीं ये तो कोई निकट है, ये निकट है ना, तो यह भगवान क्या है, ज्ञाता द्रव्य है, ज्ञाता द्रव्य है, ज्ञाता होने पर भी द्रव्य है, अकेला ज्ञान मात्र नहीं है, अनंत गुणों का पिंड है, प्रभुता में है वीर में है भगवंत है, है भगवान ज्ञाता द्रव्य। महाराज आप तो समाधि की बात कर रहे थे, आप तो त्याग की बात कर रहे थे और आप एक कहां से लेके बैठ गए। शिष्य ने पूछा महाराज इस आत्मा के लिए प्रत्याख्यान क्या है, तो आचार्य जी क्या उत्तर दे रहे हैं, है भगवान ज्ञाता द्रव्य है। महाराज हम ही नहीं कह रहे थे कि भगवान कौन सो भगवान, हम तो कह रहे हम त्याग क्या करे, तो उत्तर कहां से उठाया, है भगवान ज्ञाता द्रव्य है, अरे इसको ग्रहण करता है इसको जानता है, उसने जानने लायक सब जान लिया, वो छोड़ने लायक सब छोड़ दिया। तो क्या लिखते हैं, जो ऐसी सद्भावना वाला आत्मा क्या करता है, हर क्षण ज्ञान में, हर क्षण ज्ञान, हर क्षण आत्मा की धुन, हर क्षण आत्मा की धुन, उसको जब ही होगा, जैसे आपने अपने बालकों को अच्छे संस्कार दे दिए तो वो घोटे संस्कारों से बच जाएंगे हैं? अगर तुमने पहले ही उनको पाठशाला भेजा होगा, उनको स्वाध्याय में भेजा होगा, संत धर्मात्माओं की संगति में लगाया होगा, तो वे खोटे कार्यों से बच जाएंगे। अरे उनके सामने अनछना पानी मर्यादा का बाहर का पानी भी आजा छना हुआ, कहेंगे भैया हम 48 मिनट के बाहर का पानी नहीं पीते हैं, और नहीं तो वे क्या पीने लगेंगे कुछ पता नहीं हमने क्या। उनको ऐसी वस्तुओं भी पीते हुए वो नहीं आएंगी, नहीं इसमें क्या है। तो जैसे आपने यदि उनको यहाँ दी संस्कार दिए होंगे तो वे खोटे कार्यों से बच जाएंगे, ऐसी इसमें ज्ञान की भावना चलाई होगी तो महाराज फल क्या आएगा, संसार के क्या लिखा कोष्टक के बाद, संसार के घोर विकल्पों को नहीं पाता, कौन संसार के जी दिखता है कि नहीं, बहुत छोटा रहता है आपके हैं? क्या लिख रहा है, ये संसार के घोर विकल्पों को क्या नहीं करता, नहीं पाता। चला ही गया, कोई बात, चले जाते दरवाला देखो तुम हैं? जो अखंड रूप से ज्ञान की सद्भावना वाला आत्मा क्या नहीं करता, संसार के घोर विकल्पों को नहीं पाता। मुझे इसका विकल्प जान दो क्यों आता है, कम से कम कोई याद ही आके बैठा हो, उसको इस शब्द ही को ज्ञान नहीं बिरा हुआ। अब मैं बोले जा रहा हूँ ज्ञाता है अखंड है, उसको कुछ समझ में तो आने वाला, और जान तो समझ जाएगा तो उसको फायदा क्या मिलेगा। नियम सार जी का एक कलश ही इतना अच्छा है तो पूरा नियम सार कैसा होगा, जब एक ही कलश अच्छा लग रहा है तो पूरा कैसा होगा। घोर विकल्पों को कौन नहीं पाता, जो अखंड ज्ञान की धारा को बहाता है।
फिर क्या होगा महाराज? जब घोर विकल्पों को नहीं पाता तो किंतु किंतु क्या करता है? निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ। किसको प्राप्त करता हुआ? निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ। कब निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ? बोलो भाई साहब से नहीं पूछेंगे, इनको सब याद, आपसे पूछेंगे। बोलो कब निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होगा? अखंड ज्ञान की धारा बहेगी। हे भैया छिंदवाड़ा में इस बार तो इतनी बरसात होने वाली है कि इतने इतने लोग डूब जाएंगे। नहीं डूबेंगे, घबराओ मत। हैं? अब हे भैया फिर क्या होगा? अब किसी ने एक बार हमसे कह दिया कि कुछ दिन के लिए ऐसा आने वाला है, मन क्या कि 15 दिन तक रात्रि बनी रहेगी, 15 दिन या 20 दिन तक। हैं? दिन बोले नहीं, सूर्य नहीं निकलेगा, न जाने क्या हो गया, और उन्होंने लाके हमको दिखा दिया। अब सोच रहे तब तो समाधि होगी, और क्या होगा? जब रात्रि बनी रहेगी तब क्या होगा? वो फला फला डेट आ रही है, उसमें 20 दिन तक के 25 दिन के 15 दिन कुछ बताया याद हो, तो बोले वो तो रात्रि बनी रहेगी तो सूर्य निकलेगा ही नहीं। अब तो रे तो आप झूठ रख लेना। अब क्या झूठ रखेगी? बोले तरीके समय में ले, हम नहीं कुछ नहीं करेंगे, समाधि होगी और कोई उपाय नहीं है। अब वो 15 दिन तक रात्रि बनी रहेगी, वो दूसरों सुनेगा, ओ भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसा होगा? लेकिन जिसने अखंड ज्ञान की धारा को समझा है ना, अरे बनी रहे रात्रि, मेरे में तो सदा ज्ञान का प्रकाश रहता है, और बाहर का पानी नहीं पिएंगे, अपने ज्ञान के प्रकाश में अतिन्द्रिय आनंद का पान करेंगे, और नहीं तो जरा आएगा कोई एक तारा निकलने वाला है, फला तारीख की बहुत पागलपंती की बहुत आते है, लोग हमको बता भी जाते हैं। अब अपनी बात थे, पहले सोचने भी लगते थे, ऐसे तुम भी दिमाग लगाते हो, वो निकलने वाला है वहां से होगा। अरे जिस समय आपको अखंड ज्ञान का निर्णय होगा, कह तो आ जाए हमारा क्या हुआ, हमारा क्या करने वाला है? संसार के बोलो घोर दुखों को नहीं पाता, विकल्पों को नहीं पाता। जो विकल्पों की श्रृंखलाएं चलने लगती है वो नहीं प्राप्त करता जिसके पास ही अखंड ज्ञान की धारा है। तो फिर क्या पाता है? जब विकल्प नहीं पाएगा तो निर्विकल्प को पाएगा, तो फिर क्या प्राप्त करता है? कि निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ क्या प्राप्त करेगा? पर परिणति से दू, ये शरीर है ना, ये कर्म है ना, ये पुण्य पाप के भाव है ना, ये नाना दशाएं हैं, ये सब क्या है? पर परिणति से दूर क्या करता है महाराज? अनुपम अनग चिन्ह मात्र को प्राप्त होता है, अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त होता है। अगर तुझे सिद्ध दशा परमानंद का दरिया चाहिए, जिसमें पाप नहीं है, जिसमें आनंद ही आनंद है, ऐसी दशा चाहिए तो तू क्या कर हैं? पर परिणति को दूर कर, उल्टा बोल रहा हूं, क्या करो? अगर अनग चिन्ह मात्र चाहिए तो क्या करो? पर परिणति से दूर करो। पर परिणति से दूर रहना है तो निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति करो। निर्विकल्प समाधि चाहिए तो घोर संसार के विकल्पन को छोड़ो, और संसार के विकल्पों को छोड़ना है तो अखंड रूप से ज्ञान की धारा, वाव, नीचे से ऊपर बढ़ गए अपन, अब ऊपर से बढ़ियो, अखंड ज्ञान की धारा वाओगे सब तो क्या फलाएगा भैया? संसार के घोर दुख विकल्पों को नहीं पाओगे, और नहीं पाओगे तो क्या होगा प्रथम? निर्विकल्प समाधि को पाओगे। अब निर्विकल्प समाधि को तो पालेंगे नहीं महाराज, रोग बनो है, पीड़ा बनी है, उसमें कर्म बनी है, नाना दशा बनी है, उनको क्या होगा? तो उनसे दूर हो जाओगे, और ऐसे दूर हो जाओगे कहूं भी आएंगे नहीं, अनग चिन्ह मात्र की प्राप्ति हो जाएगी। अनग चिन्ह मात्र को प्राप्त करना है, अर्थात ऐसी सिद्ध दशा की प्राप्ति करना है, तो क्या करो? अनवरत मखंड ज्ञान सद्भावना, अनवरत रूप से अपने ज्ञान की भावना को वाव, इसी कलश को अपन भजन रूप में पूरा करेंगे, तब कथा सुना।
उसके बाद जिन्हें सुनना है वे बैठे रहे, जिन्हें उठना है वे चले। मेरे सोदात्मा तुझको मैं ब्याहूं कारण परमात्मा, मेरे सोदात्मा तुझको मैं ब्याहूं कारण परमात्मा, भगवान आत्मा तुझको मैं ब्याहूं कारण परमात्मा, मैं अखंड ज्ञान में प्रभु हूँ। कैसा ज्ञान? सतत रूप से बाहूं। किसको बाहूं? सतत रूप से क्या बाहूं? मैं तो अखंड ज्ञान में प्रभु हूँ। सच्ची भावना के फल में। कैसी भावना? और मूल में क्या था? सद्भावना। सद्भावना मतलब? अच्छा, झूठी भावना क्या होती है? ज्ञान में तो हूँ, ज्ञान में तो हूँ। लड़का के मारे बड़े हैरान है, हैं? कहा भैया तुम तो ज्ञान मात्र हो। क्या हम ज्ञान मात्र हैं, लेकिन इस साल व्यापार में बड़ा नुकसान हो गए। भैया तुम तो ज्ञान में हो। क्या बहुत सही बात है, जाना नारा ही जानने में आता है, लेकिन पीड़ा बहुत है। सच्ची भावना नहीं है। सच्ची भावना आने वाला जिसको ज्ञान में दिखेगा उसको ये दिखेगा ही। सच्ची भावना के फल में संसार के विकल्प न साम, निर्विकल्प समाधि तेरे आश्रय में पाऊं परमात्मा, मेरे सोदात्मा तुझको मैं ध्याऊं कारण परमात्मा, भगवान आत्मा तुझको मैं ध्याऊं कारण परमात्मा। इतनी धुन लगाओ आत्मा की, इतनी धुन लगाओ कि कर्म ध्वनि हो जाए। क्या ध्वनि हो जाए? हैं? याद है वाक्य आपको? आत्मा की धुन में कर्म ध्वने जाते हैं, और कर्म नो कर्म की धुन में आत्मा धुना जाता है। धुना जाता है भाई साहब, क्या हमारे गांव अपने गाँव की भाषा है, इसकी खूब धुनाई करी। धुनाई करी मतलब, अजो आत्मा की धुन लगाओगे तो कर्मों की धुन धुनाई होगी, पिटेंगे वे। और कर्मों की धुन लगाओगे, कर्मों की धुन लगाओगे मतलब, भैया कहाँ के हो आप? सिंगोड़ी की हैं? हाँ हम। अब भैया कहाँ से हो? कि हमारा नाम ये है। जो अपने इस नाम की धुन लगाएंगे, अपने लोके गांव की धुन लगाएंगे, कौन धुना जाएगा? अरे मैं बीमार हूँ, अरे हम परेशान हैं, हम तो हैरान हैं। कि तू भगवान है कि हैरान है? हैं परेशान है कि भगवान है? अरे धुन लगा, रोग आ रहा है धुन लगा। सच बोले अगर आत्मा की लगनी होगी, आत्मा की धुन होगी, तो कैसी अवस्था होगी? उठ के बैठ जाओ या उठ के बैठ जाओ। जान कहाँ से आ गई है? जागृति कहाँ से आ गई? ये पंडित साहब जब है तो लोग पूछ रहे हैं पंडित जी का, अरे हम उन्हें चिंतन कर रहे हैं। जब उनको तत्व सुनाया जाए, इतनी पीड़ा के बीच में भी है, उस समय वो चैतन्य की बात सुनते ही अलौकिक तेज। जब आत्मा की धुन होगी मतलब कैसी स्थिति होगी? अरे तुम प्रयोग करके देखना। हमने तो किया, उल्टियां कर रहे हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो नियम साल लेके बैठ जा। सही बोलो, सिर दर्द बंद हो जाता भाई साहब। एक बार तो हम थके आ रहे आए, हालत खराब चलता ही ऐसा है। तो बोले भैया अब क्या करोगे, थकी स्थिति है, क्या लोग? बोले स्वाध्याय। चलो भैया चलते हैं। 10-5 लोग वैसे बैठे थोड़े से, उनको पता ही नहीं था आ रहे। बोले क्या लोगे? हमने कहा नियम साल ले आप। हमने कहा तुम नियम साल लाओगे, थके तो हो आप। मैं थके इसीलिए तो ले रहे। जब तक आप नियम साल अपनी थकान निकालेंगे तब तक कथा वाले आ जाएंगे। तो उनको कथा सुना करके कछु तो गिर करके चले। सही बोले, वो गलत पढ़ना शुरू किया और उधर वो पीड़ा चली गई। निर्विकल्प समाधि की कृपा से पर परिणति दूर करो, अनुपम अनागे चिन्ह मात्र प्रभो तुझको प्राप्त करूं, मुक्ति दाता आत्मा
मुक्ति दाता आत्मा, तुझको मैं दियाऊं कारण परमात्मा, मेरी सोता तुमा, तुझको मैं दियाऊं कारण। भैया आत्मा को और पंच परमेष्टि को अंत समय की इंतजार मत करना, क्योंकि अंत समय में याद आ जा। भावना क्या करते हो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनावान भाऊ, बोले आगे तुमको ना भूल जाऊं। भगवान अब याद मत आइयो, आप कब याद आइयो, देहांत के समय में, क्योंकि अभी आप याद आ गया भाई दुकान धंधे को कब हुए वो, तो उस समय याद आइयो। ध्यान रखियो, जो जो जीवन भर याद करोगे वो अंत में याद आएगा। विद्वानों से तुमने उदाहरण सुनाई होगा, सेठ जी बैठे और डॉक्टर और वैद्य ने कह दी तो भैया अब तो जाने वाले हैं, तो आकर के सुनाने लगी पत्नी, भैया धर्म को सब लड़के इकट्ठे हो गए आकर के, पिताई जाए वाले जीवन में तो दे हैं, अब जाने वाले बैठ गए सब, और वो एकदम हालत खराब उसकी, जैसे तैसे उसने कहा भैया वो लड़का कहाँ है, छोटा कहाँ है, बड़ा कहाँ है, तो वो उठ के बैठ, अरे जे बैठे मजला वो भी यही है, बड़ा वो भी यही है, तुम वो यही है, एकदम पहले तो बोल नहीं पा रहे मुश्किल से है करते हुए बोले, पंडित साहब को अच्छे से सुना दे उसको, अरे मूर्ख हो हम तो मरा ही रहे हैं, दुकान पे को है तुम सब के सब यही बैठे। बोलो भैया जीवन भर दुकान को याद करोगे तो समझी। भाई साहब उदाहरण देते हैं कि वो सेठ और उसकी आवाज नहीं निकल पा रही बेचारे की, तो वो हूं तो अब वो उदय युग से रखना नहीं चाहिए भाई जनवाणी, भाई रख दी तुमने, भाई लोग एक पुस्तक है रख नहीं, अरे जनवाणी का आला अलग से होना चाहिए, उसको हम प्रणाम भी करते, लेकिन वो भाई उनकी दुकान की भाई रखी भाई जनवाणी, तो उन्होंने अच्छा अच्छा अरे पिताजी के बड़े अच्छे भाव आ रहे, तो बोला एल्युमिनियम साल ले आया, उस समय साल ले आया, उस रब का चाल ले आया, हैं हैं अब खा चाहिए उसको, खा चाहिए समझ में नहीं आ रहा, भाई निकालियो सब, भाई जाते हो करे जाते भाई, अब क्या बोलते आपके दर अभी बता रही, अभी भाई बोलते खाता के हो रही थे सो आने गई भैया आपका बताया तो सबर इसको नियम सार की गाथा सुना के लेंगे, कुछ नहीं बढ़ा दे निकालो, देखते रहे पिताजी क्या देख रहे हो, अरे देखता तो अरे और ऐसे देख दो भाई नहीं कर रही, और वो 100 रुपए को भी से लेने थे, कितने लेने थे 100 रुपए ने कहने थे, मैंने कहा समझ गए आंगुली रखी, हाँ भरी हो चल, जीवन भर वही खातों में लगे रहोगे तो अंत में वही खाता याद आए, जीवन भर जिनको याद किया वो अंत समय में वही याद आएंगे, इसलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जीवन समाधि में होगा और मेरा मरण भी समाधि में। आज ही हम संकल्प करके जाएंगे पंडित साहब के समाधि दिवस का, और आज अपने जो विधान किया है उसमें यही संकल्प करके जाएंगे कि हम ऐसी समाधि करें, और ऐसी समाधि के लिए ऐसा जीवन जिएंगे, हम समाधि में जीवन जिएंगे, और समाधि में जीवन जिएंगे तो समाधि में मरण होगा, और समाधि में जीवन अर्थात भेद ज्ञान सहित कसाए रहे उसका नाम समाधि है, भुगनाम गुमानी राम जी ने क्या कहा वेद ज्ञान सहित, और तो हम अर्चण वेद ज्ञान करेंगे जो आएगा, और किसी प्रसंग में कसाए को ऊर्जा नहीं करें, और कदाचित हो जाएगी तत्काल उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे, कोई आदि व्याधि उपाधि जन क्लेश हम नहीं करेंगे, जब अभी नहीं करोगे तभी अंत समय में हो पाएगा, पता है अब तुम्हारा सिर दर्द होने लगा और तुम कहने लगा आज मैं मरा, वो जिस समय पूरा शरीर टूटेगा उस समय क्या करो, सिर दर्द हो रहा है उस समय सोचो वो आत्मन इस दर्द में ही समाधि करनी पड़ी तो क्या होगा, अरे मुझे ले चलो कोई डॉक्टर को नहीं दिखा रहा सब बैठे हैं सब ऐसा कर, अंत में भी कहोगे अरे हमारा वैद्य तो हमारे पास में है ना, दूर करने वाला तो हमारे पास में है ना, जब आप उस सिर दर्द से उस व्याधि से आप वेद ज्ञान कर लोगे तो अंत समय में वेद ज्ञान कर लोगे, वचनामृत जी में आता है एक वस्तु खो जाती है तो आकाश पाताल एक कर देता है, जब सभी संयोग छूटेंगे तब तू क्या करेगा, अगर मेरा चश्मा नहीं मिला है
तो मैं भैया नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, अरे न जाने कहाँ चला गया, न जाने कहाँ चला गया। और भगवान आत्मा पूरक हो गया, तुझे कुछ चिंता ही नहीं, उपयोग में से तेरा द्रव्य पूरा और तुझे कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर के सो रहा है। विचार तो करो है? अरे जिसको जिसको जीवन वाले तत्व याद रहेगा उसको ही अंत में याद आएगा। देहांत का अर्थ है देहांत तक, देहांत का अर्थ नहीं है अंत दीपक है वो अंत तक। क्या अंत तक ना, वो ये परमात्मा मैं अजर अमर हूं, ये अंत तक धुन लगाएंगे, उनको अंत में ही याद आएगा। जिसको जीवन में जो याद रहेगा, उदाहरण दे रहा था कि सिर दर्द हुआ और क्लेश कर बैठा, जैसे जो आपका बच्चा है ना, हर महीना में उसकी मासिक परीक्षा होती है, क्या बोलते हैं मासिक टेस्ट, हमारे समय में नहीं होते, अब तो माई माई में हा? अब वो कह रहा है कि पापा ने पूछा बेटा कितने मार्क्स आए, तो फेल हो गया मैं। बोले पिता चिंता मत करो, वार्षिक में तो टॉप करूंगा टॉप। दूसरा महीना हुआ बॉम्बे भी फेल, तीसरे भाई वहां 15-20-50 में से 15 नंबर आ रहा है, अरे चिंता मत करो टॉप करूंगा, हो गई टॉप। तो तुम जी जरा जरा से सिर दर्द में, पैर दर्द में, घुटने दर्द में, एक का भी हो गया तो उसी चीज को याद कर रहा है, बेटा कब आओगे, 3 दिन हो गए, जब भी सभी छूटेंगे उस समय क्या करोगे है? वो बड़ा वो कहाँ है, अभी अभी तुम जरा जरा में 2 दिन के वियोग सह नहीं पाते हो, 2 महीना का वियोग सह नहीं पाते हो, तो हमेशा का वियोग कैसे सहोगे? ये मासिक टेस्ट है, समझ लेना। ये जरा जरा से जो प्रसंग बनते हमारे जीवनों में, ये क्या है, ये मासिक टेस्ट है, वो इनमें फेल हो गए तो वार्षिक वे भी। अब भैया कोई कुचित कदाचित एकादशा निकल जाए तो वो अब बाद है, कुचित कदाचित बताओ क्या भैया हो गया, वो सब उसने पढ़ाई के निकल गया, ऐसी कोई कदाचित अंत समय में परिणाम सुधार करके समाधि कर ली, वो अब बाद है, राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यह शुरू से ही अध्ययन करे वो है, वो प्रत्येक परीक्षा में आगे हो। ऐसे ही राजमार्ग यह है कि जीवन में हर क्षण अपनी समाधि रखे, हर क्षण देह को छोड़ने को, देह को छोड़ने का छूटी हुई देखे, जो स्थिति बने उसमें हम सहज रहेंगे, उसमें हम कसाय नहीं करेंगे है। हम तो सोचने लगते हैं अरे उस समय क्या कि दूसरी पर्याय में जाओगे तो मोबाइल लेके जाओगे क्या, वहीं भी बेटा से बात करेंगे हम, बेटी से बात करेंगे, तो कम से कम मंदिर में आओ तो समझ लो हम दूसरे देश में जा रहे हैं, स्वाध्याय के लिए बैठ रहे हैं, समझ लो दूसरे देश में जा रहे हैं। अब हम देह को छोड़ रहे हैं कब, भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं कि अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना रखना, तब तू मंदिर में आना। मंदिर में आना नहीं लिखा, वो समय सार पढ़ता, अरे समय सार काटते मंदिर, तब तब तू नियम सार करना। जब तू अपने को और सर्व जीवों को सिद्ध देखेगा तो मोबाइल सिद्धों से बात कैसे करेगा है? उस समय के लिए तो 1 घंटा नहीं छोड़ पा रहा है, 2 घंटा के लिए उन का त्याग नहीं कर पा रहा है, तो हमेशा के लिए जब छूटेंगे, ये तो व्यवस्था नहीं है। नहीं तो ये सोचता है एक मोबाइल दे दो मुझे, मैं वहीं से फोन करूंगा, और बेटा कैसे हो। जब 1 दिन बिना मोबाइल के जाना होगा तो अब भी तो घंटा 2 घंटा को तो कम से कम इन प्रसादनों को स्वाध्याय में तो छोड़ दो। सर्व संयोग छूटेंगे ये तू समझ ले, एक एक छूट रहा है, एक विमुख का सर्व मेरे से विमुख है, मेरा ज्ञाता द्रव्य मेरे सन्मुख है। अभिराम कुमार बड़ी साधना करिए उन्होंने, अखंड साधना, और अंत में जाकर के समाधि पूर्वक देह छोड़कर चटी स्वर्ग गए पद्म पुराण में से वाचित समझ गए। हमारा तो समय होने जा रहा है।